और भैया कैसे जा रहा दिन? पिछड़ के लिए क्या? बैंक बैलेंस के लिए क्या? देखो ये सब देख के तुम लोग ऑलरेडी समझ गए होंगे कि ऑब्वियसली तुम्हारा भाई जो है आज राइड पे निकल रहा है। तो जब तक एक काम करते हैं, मैं शूज वगैरह पहनना है मेरे को, शूज वगैरह मैं पहनता हूँ, तुम जब तक ये वाली जो क्लिप्स है वो क्लिप्स देखो। हेलो नमस्कार प्रणाम सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम, दिस इज हर्ष जायसवाल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज आपका स्वागत हम कर रहे हैं, सीधा जो है हम स्वागत कर रहे हैं आपका KFC से, क्योंकि हमको लगा हमको KFC आना चाहिए, तो हम आ गए KFC सीधा उड़ते। तो यहाँ पे वी हैव अवर विक्रम भाई विद अस। सो हेलो विक्रम भाई, वी हैव अवर श्रवण भाई, दिस इज अरविंद भाई एज यूजुअल। तो एक्चुअली हम लोग गए थे अरविंद भाई के ऑफिस पे, वहाँ से हमको लग रही थी बहुत ज़्यादा भूख, तो हम सोचे कुछ ना कुछ खाते हैं, पीते हैं, ऐश करते हैं, थोड़े मज़े उड़ाते हैं। इसीलिए पहले तो प्लान था पैराडाइज जाते हैं, उसके बाद में फिर सामने KFC दिख गया, तो वी आर एट KFC। सो सिंपल एट इज इट्स फिंगर लिकिंग गुड। हमारा यहाँ पे ऑर्डर आ चुका है, सो हियर वी हैव अ क्रिस्पी चिकन विद अस, फ्राइज और पेप्सी भी है भाई साथ में, मतलब दो पेप्सी हम लोग को साथ में आई है। दिस कॉस्टेड 700 समथिंग। सो अभी खाएंगे, उसके बाद में बात करेंगे, नेवर डिलेज, ठीक है, क्योंकि खाना पहले चिकन है, ऐसा इग्नोर नहीं मार सकते। और नहीं कुछ नहीं, रमणा भाई हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, कैसी चल रही जिंदगी, क्या बोलती लाइफ। हेलो ब्रदर्स, माय ब्यूटीफुल पीपल, हेलो ब्रदर, हेलो। सो दिस इज हर विक्रम भाई एंड दिस इज अरविंद भाई, एंड ये अपने पहचानते आप रमणा भाई, सब मास्क वास्क डाल के है। तो अब देखो मैं मेरी जो है मतलब मेरी गाड़ी जो है वो गाड़ी में नहीं लिया, क्योंकि ऑलरेडी अपने पास ही एक गाड़ी और ये एक गाड़ी है। सो एक और गाड़ी लेने का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि एक बंदा सिंगल हो जाता, तो इसीलिए मेरे को नहीं चाहिए था कि कोई सिंगल हो, इसलिए अपन ने अपनी गाड़ी रख दी है। ओके राइडर प्रोवाइडर, जय माता दी। ओके और भाई रोड पे आ गए हम, क्या बात है। तो फाइनली ऑन द रोड ऑफ हैदराबाद, एकदम मजे कर रहे हैं हम लोग, एकदम मजेदार, मतलब खुली रोड सुबह की राइड, मतलब मेरी खुशी का अंदाजा नहीं है कोई भी, मतलब देख रहे हो। जय माता दी। पहले हमको रिफ्यूलिंग कराना, अरे यार रिफ्यूलिंग करने के लिए पेट्रोल पंप बंद है यार। ओके तो हम लोग अभी जा रहे हैं, मतलब एकदम सुबह सुबह का टाइम, मतलब क्या टाइम हो रहा है अभी, 6 बज रहे होंगे बहुत से बहुत, क्या टाइम हो रहा है अभी, 5:45 गाइस, और सुबह सुबह मतलब इतनी एक्साइटिंग राइड पे हम लोग निकले हैं, मतलब भैया बड़े दिन के बाद। ओहो बस ठंडी ठंडी कोजी हवा चल रही है भाई। कौन सी लोकेशन है? ऑक्सीजन पार्क, मतलब ऑक्सीजन पार्क में हम जा रहे हैं, क्या 15 किलोमीटर फ्रॉम सिकंदराबाद, तो हमको अभी जाना है 15 किलोमीटर की राइड। वाह भाई वाह वाह, घुसाए दे रहे हो मतलब सीधा। ये हमारे दोस्त लोग, हेलो भाई, हेलो, हमारे दोस्त लोग जिनका बहुत बहुत आदर करते हैं हम। ओए होए होए, खुशी भाई खुशी, इतनी खुशी भाई। ओ भैया मजेदार।
ओ भाई इतनी सही फीलिंग है ना भाई। देख रहे हो लौंडा में खुशी कितनी भरी लगी है भाई। वो अपना लहराता हुआ झंडा सुबह क्या लग रहा है भाई, क्या लग रहा है, मतलब माशाल्लाह भाई माशाल्लाह भाई। मैं कुछ ज़्यादा ही चार्ज्ड अप हूँ आज, मतलब देखो मैं सोया भी नहीं, मतलब रात भर मैं शायद 3:30 बजे तक एडिटिंग किया, 4 बजे शायद मैं वीडियो शेड्यूल किया, उसके बाद भाई मेरे को नींद लगनी थी लेकिन मैं 5 बजे मतलब 4:30 बजे अपने विक्रम भाई का कॉल आ गया कि भाई हमको जाना है, चलो निकलते हैं, हमको तो बस बहाना चाहिए भाई बाहर निकलने का। इतने दिनों बाद, इतने महीनों बाद इतनी अच्छी राइड पे निकले यार, इतनी अच्छी राइड भाई। एक्साइटमेंट लेवल x100 भाई, x100 हो गए एक्साइटमेंट लेवल। देखो गाइस खुशी तो होनी बनती है क्योंकि हम निकले हैं राइड पे, मतलब कितना टाइम हो गया भाई। मेरे दोस्त लोग भाई हेलो। तो भाई देखो इतना टाइम हो गया राइड पे निकले, वो भी सुबह के टाइम पे, मतलब राइड हो तो सुबह की हो, शाम की ना मेरे को अच्छी लगती है ना रात की अच्छी लगती है, मेरे को लगती है तो सुबह की राइड। और भाई मजे हम कर रहे हैं ऑलरेडी, इसलिए मैं बोलता हूँ भाई मजे करो जिंदगी में। गाइस मैं वेलकम बोलना तो भूल ही गया भाई एक्साइटमेंट में। तो हेलो नमस्कार प्रणाम सत श्री अकाल, दिस इज हर्ष जायसवाल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और इतने मजे से हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, ऑक्सीजन पार्क जा रहे हैं। अपने को रूट जो है पता नहीं है, अपने को ले जा रहे हैं अपने अरविंद भाई, उनको रूट पता है, उन्होंने ऑलरेडी जाकर है। ओके गाइस तो मेरे लेफ्ट साइड में जो आप लोग देख रहे हो दिस इज एयरपोर्ट, दिस इज द रनवे, एकदम दूर तक देखो एकदम रनवे उतनी दूर तक, क्या बात है भाई, सुबह सुबह के नज़ारे है ये। ओहो हो भाई रनवे पे मोड़ लो गाड़ी, बोलो तुम। अरे मोड़ देंगे रनवे पे सीधा, मार देंगे भाई, व्हीली लेंगे सीधा। कौन है भाई, बुलाओ, कौन बुला रहे हैं हमको वहाँ पे जाने के लिए, बोल रहे हैं। ओके और भैया कैसे जा रहा दिन, मज़े में, क्या बात है भाई मज़े करो ऐसे ही। अरे बाप रे भैया हम तो फंस गए यार, राइट गए कि लेफ्ट गए कि सीधा जाना है कि ऐसे जाना है वैसे जाना है कैसे जाना है, रसकिला। अरे रसकिला इधर जाने गदरी। अब मैं देखो ऐसे हाथ रख के डन 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 डन, क्रेजी ब्रो, क्रेजी क्रेजी, इतना ज्यादा क्रेजी कैसे हो सकता है कोई। जो तुमने स्टार्टिंग में क्लिप देखी थी जब मैंने तुमको दिखाई KFC वाली जो क्लिप है वो एक्चुअली कल की नहीं है, वो एक्चुअली परसों की है। सो परसों हम लोग गए थे KFC, वहाँ पे बहुत ज़्यादा मूड कर गया था हमारा कि वहाँ पर कुछ खाए, मतलब 3 महीने भाई 3 महीने समझ रहे हो तुम, 3 महीने से ना KFC है ना मैकडोनल्ड है ना कुछ है। सो भाई अब क्रेविंग्स हो रही थी तो अब क्या करें भाई, अब कंट्रोल नहीं कर सके तो अब खा लिया हम, ठीक है। तो ऐसी कुछ बात है और ऐसी ही बात है। देखो अभी का ही किस्सा है, रमणा भाई हमारे सामने जो गाड़ी पे है वो ओवर स्पीड कर रहा था, मतलब तकरीबन 90 की स्पीड या ऐसा कुछ पकड़ा था, तो सीधा उसके जो मम्मी है मम्मी को मैसेज चला गया कि ओवर स्पीडिंग पे जा रही है गाड़ी। सो दिस इज़ अ वेरी गुड फीचर, मेरे को बहुत पसंद आई ये चीज़। लेकिन मेरे को सिर्फ ये गाड़ी का सिर्फ एक चीज़ पसंद है कि ये सब स्कूटी के हिसाब से कुछ ज़्यादा ही पावर, मतलब खाली भूम भूम दे रखा है उसके अंदर, टॉर्क कुछ ज़्यादा ही दे रखा है, तो वो चीज़ मेरे को थोड़ी सी अलग लगती है, मेरे को उतनी पसंद नहीं आती है वो गाड़ी उस वजह से, बाकी सब बढ़िया है। तो भाई मेरे मुंह से बात भी नहीं निकल रही, मैं इतना बात करने का है लेकिन मेरे मतलब मेरे को सिर्फ यहाँ पे घूमने का है, मेरे को बात भी नहीं करना है, मेरे को ऐसा फीलिंग हो रहा है कि मैं कैमरा खोल तो लिया
माइक अटैच कर तो दिया, लेकिन मैं बात क्या करूं मेरे को कोई समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मेरे को ये नेचर देखो भाई, तुम ये रोड देख रहे हो, ये रोड से मेरे को प्यार हो गया भाई। ओ भाई चुम्मा भाई चुम्मा चुम्मा भाई चुम्मा, इतना ज्यादा प्यार राइडिंग से मेरे को है, मतलब इतना ज्यादा प्यार मेरे को पता नहीं भाई मेरे को इतना ज्यादा प्यार क्यों है राइडिंग से, बट मेरे को राइडिंग से बहुत ज्यादा प्यार है। मतलब कोई भी गाड़ी दे दो मेरे को तुम, कोई भी मतलब स्कूटी दे दो या तो फिर बाइक दे दो, मेरे को सिर्फ राइड करना है, मेरे को सिर्फ राइड पे जाना है, मेरे को सिर्फ निकलना है, मतलब रोड पे निकलना है। आई लव दिस रोड्स, ऐसी रोड्स मिलती है, ऐसा कुछ होता है तो फिर भाई अपने को कुछ और नहीं चाहिए, कोई भी गाड़ी दे दो अपन चलाने के लिए तैयार होते हैं। सो अपन अभी जा रहे हैं नागपुर हाईवे, नागपुर हाईवे पे जा रहे हैं हम। यहाँ से अगर जाओगे तो मुंबई जाएगा, मुंबई रोड, वहाँ का टोल नाका लगेगा, बट दिस इज नागपुर हाईवे। और बस देखो भाई, बस दूर दूर तक देखते जाओ, जहाँ तक नजर जा रही है देखते जाओ तुम बस। कैमरा में मेरे को पता नहीं कितना कैप्चर हो रहा है, लेकिन रियलिटी में अगर तुम्हें को बताऊं तो इतनी अच्छी फीलिंग है आज की सुबह की, इतनी प्यारी राइड है भाई, इतनी प्यारी राइड, दिस मेड माय डे ब्रो। हियर इज बंद है यार, ओ भाई मुझे मारो, बंद है भाई, ओपन है देख, तो ये गेट तो बंद है ना। तो भाई हम लोग आ गए हमारी लोकेशन पे, लेकिन इतना बड़ा धोखा हो गया हमारे साथ, क्लोज्ड है, क्लोज्ड, सो द लोकेशन इज क्लोज्ड, बहुत बड़ा कट गया हमारा। हम लोग ने गूगल पे देखा था, गूगल पे बता रहा था कि इट्स ओपन लॉकडाउन, मतलब यहाँ पे कोरोना का भी है, फिर भी हमने चेक किया था ओपन है या नहीं, सो इट वॉज लाइक शोइंग ओपन है, अभी भी ओपन ही बता रहे, लेकिन अभी जाकर पूछे तो इट्स क्लोज्ड। तो अभी का वो सीन क्या करे हो, अब क्या करे, व्हाट वी शुड डू, रमना भाई टेल मी व्हाट वी शुड डू, क्या करें भाई, कोई दूसरा जगह जाएंगे। इतनी एक्साइटमेंट से आए थे यार, क्या है मतलब इसका, इसका नाम क्या है, नाम बताओ मुझे, कंडला क्या, ऑक्सीजन पार्क कंडला कोया, कंडला कंडला कोया, ऑक्सीजन पार्क कंडला कोया, ओकेचल, तो वो है भाई जो भी है। भी देखो भाई हमारी लोकेशन ये है और यहाँ पे ओपन बता रहा है, और ये देखो यहाँ पे नीचे क्लोजेस्ट 5:30 PM, ये होता है भाई, मतलब दिल को छू गई बात, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन के साथ, कुछ ज़्यादा प्रिपरेशन के साथ हम लोग आए थे यहाँ पे, हम ऐसा कुछ सीन है, लेकिन फिर भी भाई कोई कोई मतलब ऐसी सैडनेस वाली बात नहीं है, क्योंकि हम लोग राइड करके खुश है, ये बंद है तो कोई बात नहीं, दूसरी दूसरी कोई जगह देखेंगे, वहाँ पर जाएंगे। और अपने भाई लोग के साथ अपन आए हैं, और ब्रेकफास्ट करने का बहुत ज़्यादा मन है, अगर कोई अच्छी जगह मिल जाए सैनिटाइज वैनिटाइज होके मिल जाए तो वहाँ पे ब्रेकफास्ट करेंगे। हेलमेट टूट गया अभी, तो हेलमेट के ऊपर कुछ जुगाड़ चल रहा है। सो अपने इंजीनियर है विक्रम इंजीनियर और रमणा इंजीनियर, हो गया मैकेनिकल सीसी एंड मैकेनिकल पीपल। टू आवर्स लेटर, गाइज एंड गर्ल्स देख रहे हो कैसे दिन आ गए हमारे, मैं नीचे बैठा हूँ रोड के ऊपर एकदम, और रमना भाई नीचे बैठे हैं अपने, फोटोशूट वहाँ पे चल रहा है, फोटोशूट यहाँ पे चल रहा है, इंस्टाग्राम पे बहुत दबा के फोटोज आने वाली है। बस सिर्फ एक प्रॉब्लम हो रही है कि मेरी आंख जो स्वेलिंग है वो स्वेलिंग फोटो में अच्छी नहीं दिख रही, तो मेरे को सिर्फ उसका प्रॉब्लम है। जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे तब हो रही, तब होगा रक्षाबंधन, तो सबको रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं और बिरलेटेड बकरी ईद। जस्ट लुक एट दिस व्यू ब्रो, जस्ट लुक एट दिस व्यू, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक व्यू देख लो, यहाँ से लेके यहाँ तक व्यू देख लो, क्या मजेदार व्यू है भाई। 8:32 सिर्फ 8:30 हुए और अभी हम लोगों की एनर्जी अभी भी फुल ऑन है, बस अभी थोड़ी सी भूख लगी है, मतलब पूजन जो है वो करना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है, अगर पेट पूजन नहीं होगा तो फिर कैसे चलेगा भाई, कैसे चलेगा। ओके तो हमको मिल गया कुछ अच्छा, यहाँ पे यम्मी यम्मी लिखा है, बस
अपन अभी है यमी ट्रक, मतलब यमी ट्रक करके एक हमको ट्रक मिल गया, बहुत अच्छा है खाना वाना। तो यहाँ पे हमको मिल रहा था ब्रेकफास्ट वगैरह, तो ब्रेकफास्ट करने के लिए हम रुक गए। मतलब इतनी ज़्यादा भूख लग रही थी, तो हम लोग सोचे भाई रुक जाओ, रुक के ब्रेकफास्ट कर लो, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे विक्रम भाई एकदम दबा दब क्या बोल रहे थे विक्रम भाई, नेवर टेक अ यूट्यूबर व्हेन यू गो ऑन अ रोड ट्रिप। देखो भाई, अपने को पहले कैमरा उसके बाद में खाना, मेरा था भाई बोल रहे अपन शूट पहले खाना खाओ फिर बाद में शूट करो, तो मैं बोला भाई पहले अपन शूट करेंगे फिर खाना खाएंगे, व्हाट एवर इट इज। आप भी खाना खाओ, टाइम पे खाना खाओ, बिल्ड अप योर इम्यूनिटी विद कोरोना। सैनिटाइजेशन है यहाँ पे, इसलिए हम लोग यहाँ पे रुके ना, तो कोई हमारा रुकने का कोई वो नहीं था, बस साफ़ सुथरी जगह देखी, सैनिटाइज़र वैनिटाइजर सब यूज़ कर रहे थे, तो हम बोले भाई ये अच्छी जगह है, यहाँ पे आ जाओ, खा लो पी लो, जो होगा भगवान भरोसे। अरविंद भाई, डन विथ योर ब्रेकफास्ट। ये व्हाट इज़ दिस ब्रो, छोटा बच्चे से कैसे बन रहे तुम। ब्रेकफास्ट इज डन, अभी अपन सीधा निकल रहे घर के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गए अपन, और अभी और ज़्यादा लेट हो गया मैं तो मम्मी के घर से फ़ोन आना शुरू हो जाएंगे, तो वो चीज़ मैं नहीं चाहता, इसलिए अपन अभी जो है सीधा घर पर निकलने वाले हैं। ब्रेकफास्ट हमने मतलब 10 प्लेट हुआ, मतलब सब कुछ मिला के 10 प्लेट हुआ, लूट के तो हमारा बिल हुआ पिछवाड़ा खाली हो गया, बैंक बैलेंस खाली हो गया। तो भाई देखो क्या करूं, कपड़े बेच दूं क्या, पूरा मिला के हमारा मिला के हमारे हुए 10 प्लेट, और 10 प्लेट का पूरा टोटल हुआ आराम से 350 रुपीज़ कुछ तो हुआ। खाना बहुत अच्छा था मगर जेब खाली कर दिए। जेब खाली हो रही है भाई, पैसे है तो, नोट है तो बन रहा नहीं, लेकिन समझ जाओ। चलो अभी चलते हैं घर को सीधा। तो भाई देखो, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग चाय भी पिए थे, और चाय हमारे बनाए थे यहाँ पे अंकल नाम क्या है आपका, नरसिम्लू हमारे भाई का नाम है, मतलब चाय ज़बरदस्त चाय बनाए थे, थैंक यू सो मच अंकल, बहुत अच्छी चाय थी आपकी, थैंक यू। सो अगर आपको आना है तो आप आ सकते हो, दिस इज़ एरिया, कौन सा एरिया, पेट बशीरबाग, तो दिस इज़ पेट बशीरबाग, आ सकते हो, बहुत अच्छी चाय भी मिल जाएगी, और यहाँ पे यमी वाला ट्रक भी मिल जाएगा, तो वो भी खा सकते हो। बस यार चलो अभी निकलते हैं, अभी और कुछ नहीं, बस यही बताना था, बता दिया, चलो घर जाना। Okay guys, so finally we are back in the city. आ गए अपन वापस सिटी को, अपनी हैदराबाद सिटी को, अपन आउटस्कर्ट से जाके सीधा आ गए अपने सिटी को, हैदराबाद की शान टैंक बांड। वाह भाई वाह, ऐसी कोई चीज़ है जिसमें मैं फेल हो जाता हूँ, ऐसी कोई चीज़ में जब करता हूँ जब फेल हो जाता हूँ वो चीज़ में, तो वो चीज़ से मैं बाहर आने के लिए मैं यहाँ पर आके बैठ जाता हूँ, जिससे कि मेरे को बहुत ज्यादा पीसफुल एनवायरनमेंट मिल जाता है। बाय गाइस, बाय। चलो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग माय डे, थैंक यू रमना भाई, थैंक यू सो वेरी मच अरविंद भाई, थैंक यू सो मच विक्रम भाई, मिलेंगे जल्दी। विक्रम भाई हमारी मतलब अपनी हर्ष जायसवाल फैमिली से कुछ कहना चाहते हैं तो बोलिए भाई। So we are planning for another trip, but not like this. Okay. We are planning for big trip. Lamba. For example, a 2-day trip, like adventure type. So please do subscribe and comment and share to Harsh Jaiswal. Okay. So हम जहाँ भी गए थे, we were using sanitizers and we were using masks also. But right now because of this helmet, we couldn't wear that mask. Hmm. So even you carry the sanitizers while you go outside. सैनिटाइजर और मास्क हम लोगों ने बहुत ज़्यादा यूज़ किया है, तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, आप लोग भी अगर बाहर ऐसा निकल रहे हो तो सैनिटाइजर और मास्क पहन के निकलो, ग्लोव्स भी है तो ग्लोव्स भी पहनो। आ गया भैया घर से फोन, बाय।
बाय 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 बाय।